गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज प्रियंक पटेल और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रैफिक साइन एंड ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में। तो अगर ट्रैफिक कंट्रोल की बात करें तो ट्रैफिक कंट्रोल मेनली दो तरह से किया जाता है। द फर्स्ट वन इज ट्रैफिक साइन या फिर ट्रैफिक सिग्नल और दूसरा है ट्रैफिक लाइट। अगर सबसे पहले हम ट्रैफिक सिग्नल की बात करें तो ट्रैफिक सिग्नल नॉर्मली तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है मैंडेटरी, दूसरा है कॉशनरी और लास्ट है इंफॉर्मेटरी। अब यहाँ पर मैंडेटरी की सबसे पहले हम बात करें तो ये ऐसी साइंस होती है जो नॉर्मली आपको सर्कल के अंदर देखने को मिलती है, जिसके कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको दिखाए हैं। ये साइन आप जब देखते हो तो इसका मतलब ये होता है कि इस साइन के बाद आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं साइन के अंदर, वो आपको किसी भी हालत के अंदर फॉलो करने हैं। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको अलग अलग साइन दिख रही है, जिसमें नो यू टर्न, नो लेफ्ट टर्न, नो राइट टर्न, नो पार्किंग जैसी कई सारी साइन है। और ये सब साइन जो है वो गोल मतलब कि एक सर्कल शेप के अंदर दी गई है। तो सर्कल का मतलब होता है मैंडेटरी। तो जब भी आप कोई ट्रैफिक साइन देखते हो जो कि एक सर्कल के अंदर बनी हुई है, तो उसका मतलब ये होता है कि उस साइन को आप हर हाल में फॉलो करोगे। और अगर उस साइन के अंदर आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो अगर आप ब्रीच करते हो तो उसका मतलब ये होता है कि आपने कोई ऑफेंस किया है और उसके लिए आपको लीगली पेनल्टी लग सकती है। उसके बाद जो दूसरा है वो है कॉशनरी साइन। ये साइन नॉर्मली ट्राइंगल के अंदर बनी हुई होती है और इनसे आपको एक सूचना दी जाती है कि आगे रोड के ऊपर कुछ चीज़ें आने वाली है, जैसे कि बम्प हो सकता है या फिर रेलवे का फाटक हो सकता है या फिर कोई मतलब भेड़ बकरी का जो पासिंग वाला सीन होता है वो हो सकता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, मतलब स्लोप हो सकता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, यू टर्न, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, जो कि आपको रोड के आगे इंटरसेक्शन पे या फिर रोड के आगे कहीं भी सिचुएशन पे दिखते हैं, तो ये जितनी भी साइन है उनको ट्राइंगल में बनाया गया है। और ट्राइंगल को नॉर्मली एक कॉशनरी थिंग की तरह एक्सेप्ट किया जाता है साइकोलॉजिकली, तो दैट्स द थिंग कि इसे ट्राइंगल में बनाया गया है। तो ये जितनी भी साइन है ये आपको इन्फॉर्मेशन काइंड ऑफ वार्निंग देने के लिए बनाई जाती है, जिससे आप अपने ड्राइविंग को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अपने व्हीकल की स्पीड को, अपने व्हीकल का जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सको और आगे जो चेंज आ रहा है रोड के अंदर, आपके ट्रैवलिंग पाथ के अंदर, रूट के अंदर, उसको आप मॉडिफाई करके जो एक्सीडेंट है उसकी पॉसिबिलिटी को मिनिमम कर सकते हो। उसके बाद जो लास्ट साइन आती है वो है इंफॉर्मेटरी साइन। अब इंफॉर्मेटरी साइन नॉर्मली आपको स्क्वायर बॉक्स के अंदर दिखती है और इसका कलर नॉर्मली ब्लू रखा जाता है। अब स्क्वायर साइन रखने का मतलब ये है कि आप जब हाईवे के ऊपर ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे अगर आप एक लॉन्ग टूर पे जा रहे हो तो आपको कुछ चीज़ की ज़रूरतें फ्रीक्वेंटली पड़ने वाली है, जैसे कि गाड़ी के अंदर आपका इंजन, जैसे पेट्रोल या डीजल बोला जाता है, अगर कोई इंजरी हुई है तो हॉस्पिटल, अगर आपको कोई कॉल करने की ज़रूरत है तो PCO बूथ या फिर STD बूथ या फिर होटल की बात कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकती है हाईवे पर आप जब गाड़ी लेके जाते हो तब। तो उन सिचुएशन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जैसे कि 1 या 1.5 किलोमीटर के बाद पेट्रोल पंप है, तो पेट्रोल पंप के 500 या 700 मीटर पहले आपको एक साइन मिलेगी कि 500-700 मीटर बाद पेट्रोल पंप है, तो आप उतने डिस्टेंस में आपकी गाड़ी को, हाई स्पीड फर्स्ट लेन में हो तो आप उसको सेकंड थर्ड लेन में खींच सकते हो, मतलब कि डिवाइडर के साइड अगर आप चला रहे हो तो आप उसको फुटपाथ साइड ले सकते हो और आप आराम से अपना जो गाड़ी है उसका रीफ्यूलिंग करवा सकते हो। ऐसे ही आपको बहुत सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो यहाँ पर आप देख सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ हाईवे पर ही नहीं होती, जो नॉर्मल रोड होते हैं वहाँ पर पार्किंग के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कई बार इंटरसेक्शन आता है वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वैसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की यहाँ पर अलग अलग साइंस आप देख सकते हो। तो नॉर्मली यही है ट्रैफिक साइन और ट्रैफिक सिग्नल। अब आते हैं हम ट्रैफिक लाइट के ऊपर। तो ट्रैफिक लाइट जो होती है वो आपने देखी होगी और ट्रैफिक लाइट में आपको नॉर्मली तीन कलर दिखते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। और नॉर्मल चीज़ ये होती है कि रेड जब दिखता है तो आपको खड़ा रहना है, येलो का मतलब होता है कि ट्रैफिक लाइट जो है वो स्विच हो रही है ग्रीन टू रेड या फिर रेड टू ग्रीन, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको एक कॉशन दिखाना है और प्रॉपर प्रिपरेशन रखनी है कि लाइट जो है वो अगर रेड से ग्रीन हो रही है तो आपको इंजन स्टार्ट कर देना है और अगर ग्रीन से रेड हो रही है तो आपको अपने व्हीकल की स्पीड को कम कर देना है। अब यहाँ पर जो ट्रैफिक लाइट है वो नॉर्मली तीन प्रिंसिपल के ऊपर एक्टिवेट की जाती है, जिसमें सबसे पहला है ट्रैफिक एक्टिवेटेड, दूसरा है वो है फिक्स टाइम वाला और लास्ट है मैन्युअली ऑपरेटेड। तो यहाँ पर अगर हम ट्रैफिक ऑफ एक्चुएटेड ट्रैफिक सिग्नल की बात करें तो ये ऐसे ट्रैफिक सिग्नल होते हैं जिनके टाइमर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मतलब कि अगर एक इंटरसेक्शन है जहाँ पर चार रोड एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं,
तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि चारों रोड के ऊपर अलग अलग ट्रैफिक होगा और इसलिए चारों के जो टाइमर है वो अलग अलग होंगे, मतलब कि जिस रोड के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पर ज़्यादा टाइमर दिया जाएगा। अब ये एक नॉर्मल फंडा है जो कि बहुत बिजी इंटरसेक्शन होते हैं वहाँ पर दिया जाता है, जहाँ पे रश आवर के अंदर कोई एक स्पेसिफिक साइड से ट्रैफिक आपको देखने को मिलता है। और नॉर्मली एक्सप्रेस हाईवे और नेशनल हाईवे के ऊपर इस तरह के ट्रैफिक एक्टिवेटेड इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा है वो है फिक्स टाइम। ये नॉर्मली ऐसा होता है कि इसके अंदर एक टाइम फिक्स किया होता है कि पर साइड आपको 30 सेकंड या फिर 45 सेकंड मिलते हैं ग्रीन लाइट के लिए, और बाकी के जो इंटू 3 मतलब कि 135 से 145 जितने सेकंड्स आपको मिल जाते हैं रेड लाइट के लिए। और ये जो फिक्स टाइम वाले ट्रैफिक इंडिकेटर्स है वो जहाँ पे स्मॉल इंटरसेक्शन होते हैं वहाँ पे यूज़ होते हैं, और ये जब इंस्टॉल किए जाते हैं तभी इनका टाइम फिक्स कर दिया जाता है। ये दिन के किसी भी टाइम पे आप जाओगे आपको फिक्स टाइम पे ही दिखेंगे और इनके टाइमिंग में कोई भी चेंज नहीं आता है। इसको आप एक बार फिट कर दो फिर इसके अंदर आप मेजर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो, हालांकि अगर आपको टाइमिंग चेंज करना है तो टाइमिंग आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो लास्ट वाली कैटेगरी है वो है मैन्युअली ऑपरेटेड। ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे 5 या 6 रोड एक साथ मिलते हैं, एकदम कंजक्टेड इंटरसेक्शन बन रहा है, तो उन सिचुएशन के अंदर एक ट्रैफिक पोल या फिर ट्रैफिक बूथ बिठाया जाता है जो इंटरसेक्शन होता है उसके सेंटर में, और वहाँ पे एक कंट्रोल किट दी जाती है जिससे 6 के 6 इंटरसेक्शन हैं उनके ऊपर कैमरा से नज़र रखी जाती है, और जिस इंटरसेक्शन पे हाईवे या फिर ऐसी कोई भी इंटरसेक्शन के ऊपर जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ जाता है उसको प्रायोरिटी के बेस के ऊपर ओपन किया जाता है, तो इसीलिए इसको मैन्युअली ऑपरेटेड बोला जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।